तो है गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज है संडे का दिन और मैं निकल चुका हूँ अपनी ड्यूटी के लिए सुबह सुबह तो नहीं भाई, 10 बजे मैंने आईडी खोली है, 5-10 मिनट पहले ही खोली थी मैंने। मेरे पास ऑर्डर बच गया था 10 बजे से पहले ही। तो 7 किलोमीटर का ऑर्डर था ये, 91 रुपये इसके मिल रहे हैं मेरे को। तो अभी मैं इसको जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए। तेल है गाड़ी में, डलाने की ज़रूरत है नहीं। तो भाई देखते हैं आज कैसा जाता है आज का हमारा दिन संडे का। काम अच्छा हुआ तो भाई लेट तक करेंगे, वरना अपने डेली वाला जितने बजे तक करते ही हैं। तो चलो फटाफट पिकअप करते हैं ऑर्डर को। ये रेडी हो गया है ऑर्डर हमारा, ऑर्डर दे दो। चलो भाई पिकअप कर लिया है ऑर्डर, छोड़ते हैं इसको फटाफट करणपुर बुल्स ओल्ड कैफे। चलो जी गाइस, पहुंच चुके भाई पहले ऑर्डर की लोकेशन पे। यहाँ से मेरे को लेना है राइट, ये सही कर दिया इन्होंने यहाँ पे। मगर ख्वाबों की दुनिया में मिलूंगा तुमसे रोज़। ऑर्डर है भी आपका सचिन के नाम से? कैंसिल करना है कैंसिल करना है इसको। क्यों? मैं भी आज वेट करता हूँ, खाने के लिए किया मैं जा रहा भाई। अरे नहीं बना पाया यार आज। मेरे को क्या दोगे फिर इसका? मैं आपको 50 रुपये दे रहा हूँ। 50 में क्या होगा, 100 तो दो कम से कम। और ये रिटर्न जाएगा? तो रिटर्न जाएगा, बर्गर किंग का जाता है रिटर्न, रिटर्न जाता है इसका। ऑर्डर नहीं बजेगा मेरे पास, रिटर्न ऑर्डर नहीं बजेगा। चलो देखते हैं। ठीक है मैम, हो गया कैंसिल। ओके मैम, थैंक यू। ओके, ये तो रिटर्न बज गया। रिटर्न बज गया इसने, वो गलत हो गया। यहाँ वाली तो करना चाहिए था मुझे, यहाँ बर्गर किंग से हो गया। तो ये जाना पड़ेगा वापिस इसको। कस्टमर भाई, कस्टमर खेल खेल रहा था मेरे साथ। कस्टमर बोला था भाई ऑर्डर कैंसिल करके मेरे को दे दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। ये देखो ऑर्डर दोबारा तो बज गया रिटर्न। हाँ तो गाइज क्या था, बंदा मेरे को बोल रहा था कि ऑर्डर कैंसिल कर दो भैया, मैं तुमको 50 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा और ये ऑर्डर मेरे को दे देना। तो भाई उसने कैंसिलेशन पे लगा दिया और ऑर्डर बच गया है रिटर्न। भाई देखो जैसे कि पता ही आप लोगों को, जोमेटो में ऑर्डर रिटर्न बसते हैं। और वो बोल रहा भाई, वो चौंक गया, बोल रहा यार भाई रिटर्न तो बसता नहीं है ऑर्डर। कह रहा मैं भी जोमेटो करता हूँ। मैंने बोला भाई रिटर्न तो बसते ही हैं ऑर्डर सारे जोमेटो के। अभी देखो मेरे को जाने का पैसा तो मिल ही गया, अब वापस जा रहा हूँ मैं रिटर्न लेके, उसका ही पैसा मिल रहा है मेरे को, अपना तो फ़ायदा है ना। लो जी गाइज ये चेक करो आप, मैंने जो एक ही ऑर्डर छोड़ा था उसका रिटर्न बचा था। दो ऑर्डर में मेरा पहला इंसेंटिव हो गया है, दो ऑर्डर में मेरा 240 रुपये का काम हो गया, 244 रुपये का बोले तो क्या बोलते हैं आपका ऑफ़र वगैरह मिल गया है मेरे को। टोटल बढ़िया यार, सही है एंकर की, क्या चाहिए और ज़िंदगी में। चलो जी गाइज मेरे पास एक और ऑर्डर बच गया है, पर इसका पिकअप बहुत दूर है यार। इसका पिकअप पता है कितनी दूर है? 3 किलोमीटर का पिकअप है इसका, और ड्रॉप है वही 4-4.5 किलोमीटर के आसपास। ज़्यादा नहीं दे रहा, 50 रुपये दे रहा बस। तो चलो भाई इसे फटाफट पिकअप करते हैं। लो जी गाइस, रेस्टोरेंट की लोकेशन पे अपन पहुंच चुके हैं। रेस्टोरेंट कहाँ है यहाँ पे? ये तो घर है यहाँ गलियों में। यहीं कहीं पे दिखा रहा है यार रेस्टोरेंट तो। ये कॉल कर लेते हैं इनको एक बार सीधा। ठीक है भैया, ओके। अच्छा तो ये है घर की रसोई। ठीक है गाइस, घर की रसोई जोमेटो लिखा तो है ऊपर, मैंने देखा ही नहीं। चलो भाई इसको पकड़ लेते हैं पिकअप और छोड़ के आते हैं इसको लाडपुर क्लास विहार।
4 किलोमीटर दूर है भाई यहाँ से। और लोकेशन कहाँ से दिखा रहा है मेरे को, मैं तो यहाँ से जाऊँगा 5 किलोमीटर, ये खाली रास्ता है। और क्या, इधर से रास्ता खाली मिलेगा अपन वहाँ से जाएगा, भले चाहे 1 किलोमीटर दूर पड़े वो। किस नाम से? ये लो। ओके भैया, थैंक यू। 50 रुपये मेरे को इसके मिले हैं। और भाई साहब, अरे गो टू होम लग रखा क्या मेरा? ओहो, तो लो जी गाइस, एक और ऑर्डर बच चुका है मेरे पास। इसे उठाने जाना है मेरे को 2 किलोमीटर और छोड़ना है 7 किलोमीटर। मतलब पैसे तो ठीक दे रहा है इस टाइम, 75-74 के समथिंग दे रहा है पैसे। तो चलो इसे पिकअप करने चलते हैं फटाफट। तो लो भाई, ऑर्डर तो मैंने पिकअप कर लिया है, छोले भटूरे, और छोड़ के आना है इसको FRI। बहुत लंबा ऑर्डर है, 7-7.5 किलोमीटर। चलो भाई गाइज, अपन आ रखे हैं इस टाइम पे FRI वाले एरिया में। और भाई क्या ही मस्त एरिया है ना भाई, आई लव दिस प्लेस। देखो कितनी हरियाली हरियाली है, हरा भरा एकदम। गाइस जगह देख रहे हो, कितनी प्यारी जगह भाई, कितना खुला एरिया है भैंस की टांग यहाँ पे। चलो जी गाइस, ऑर्डर तो मैंने मार दिया भाई डिलीवर, इसके मेरे को मिले हैं 74 रुपीस। दूसरा भी बच गया मेरा, ये देखो वॉक इन वुड 39 रुपये, भयंकर 2.5 किलोमीटर पिकअप, 20 रुपये टिप। चलो ये ठीक है। और भाई अभी मैं बता देता हूँ आपको टोटल अर्निंग मेरी कितनी हुई है। भाई टोटल अर्निंग हुई है मेरी 2.5 घंटे में 350 रुपये, 368 रुपये, मतलब 368 रुपये। और ये वाला ऑर्डर भी बजा है 39 रुपये का, 20 रुपये टिप है भैया, 59 रुपये इसके मिल जाएंगे मेरे को। 1.20 एक नंबर है, है? गिफ्ट के लिए। बंदे पूछ रहे थे गाड़ी के लिए, तो भाई रिएक्शन अपनी मोहिनी के भी रिएक्शन कम तो ना है भयंकर, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं इसे भी। अल्ले भाई तेज हो गई यहाँ पे बारिश, बारिश मौसम देख रहे हो, बारिश भी शुरू हो गई भयंकर की। अब मैं सोच रहा हूँ, मेरे पास रेनकोट भी नहीं ला रखा हूँ मैं, भीग जाएंगे भयंकर, ऑर्डर का क्या होगा। ये चेक करो भाई तुम, रूबिकॉन रूबिकॉन। बस ये छोटा मोटा ऑर्डर हो, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई मेरा फ़ोन भीग जाएगा भयंकर। कैमरा तो ये मान लो कि 50% तो अभी रहेगा वाटरप्रूफ। ये देखो कहाँ खड़े हो रखे बीच रोड में, वाओ ब्यूटीफुल। ये है 5853। चलो जी धन्यवाद। तो लो जी भाई, ऑर्डर तो मैंने पिकअप कर लिया है, अब चलते हैं सीधा अपनी सुपर बाइक को लेके। अरे भाई साहब, ओ माय गॉड गाइस, बारिश देखो भाई, भैंस की टांग एकदम से आ गई तेज। तो लो जी गाइस, बहुत देर बाद बारिश रुकी है और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज गया है, मेरे पास ये ऑर्डर भेजा था। बारिश में भाई केक छोड़ के आया हूँ मैं, भैंस की टांग मुश्किल हुई थोड़ी पर आराम से लेके आ गया हूँ प्यार से। बाकी भाई 57 रुपये मेरे को इसके मिले हैं, या पैसे तो कम दिए इसने मेरे को, सर्ज भी मिला था मेरे को 25 रुपये। देखो पैसे पता नहीं क्यों कम दिए इसने मेरे को। बत्तीस रुपये का ऑर्डर, 25 रुपये का
अच्छा, चलो ठीक है। होए होए, चलो जी गाइस, एक और ऑर्डर बजा था मेरे पास। मैं तो घर की साइड निकल रहा था, मैं इन्होंने पहले ही पीछे से ही खींच लिया मेरे को। चल बिट्टा, कहाँ जा रहा घर? बॉबीज किचन। अंकल जी, ऑर्डर है जोमेटो का 3842। चलो गाइस, ऑर्डर तो मैंने पिकअप कर लिया है, सीधा छोड़ के आते हैं। फटाफट फोन किसका आ गया है? हेलो, पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हो? 140 रुपये, 140। ऑर्डर तो मैंने मार दिया डिलीवर, पर इसके बाद मेरे को चाहिए गो ऑफलाइन, क्योंकि यार उस टाइम बारिश हो रही थी, मैंने ऑर्डर डिलीवर मारा, तुरंत हो जा दिया इसने ऑर्डर। पर अब मेरे को तो ब्रेक चाहिए भाई। देखो टोटल अर्निंग हो गई है मेरी इस ऑर्डर की 81, और भाई 4 घंटे में मैंने कमा लिए हैं आज 550 रुपये। ये है बहुत ही बेहतरीन। चलो भाई, अब चलते हैं वापस से अपने घर, चलते हैं अब। हाँ तो गाइस, वापस आ गए भाई अपन अपनी वीडियो में दोबारा से, और मैंने खोली थी आईडी 6 बजे, ऑर्डर मेरे पास बजा है अभी, बोले तो 6:45 बजे मेरे पास एक ऑर्डर बजा था, ला पिनोज पिज़्ज़ा, जो कि घर के बगल में ही खुल रखा है। और ये हॉर्न मारता ना पीछे से, भैंस की टांग। खैर छोड़ो, ये 65 रुपये का ऑर्डर है, इसे छोड़ के आता हूँ मैं फटाफट। आज संडे है तो आज रेट थोड़ा सा ठीक दे रहा है, जैसे 5 किलोमीटर के मेरे को दिखा रहा था ये 65 रुपये, तो बढ़िया है। चलो ला पिनोज पिज़्ज़ा। यार एक तो ये बस वाले भी ना बीच रोड में खड़ी कर देते हैं बस, कहाँ गया वो, ये तो रहा। ऑर्डर दे दो 0278। जी ठीक है, चलो भाई पिकअप तो कर लिया है, ऑर्डर रेडी हो, वो लेट हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट छोड़ देंगे अपन। ओ भाई ये देखो पूरा लाल लाल हो रखा है यहाँ पे तो। ऑर्डर है क्या भैया आपका? हाँ जी, ये है सुष्टि गुप्ता। हाँ जी हाँ जी, तो 41 भैया, ले भी आपका चैनल सब्सक्राइब कर दूँ? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बता दो, मैं सब्सक्राइब कर लूंगा। ब्लॉगर एक्स। ओके भैया बिल्कुल, पहले जमा करा इसमें कैश, उसके बाद डिलीवर मारा मैंने। भाई इसके मेरे को मिले हैं 65 रुपये 5.8 किलोमीटर के, मतलब 6 किलोमीटर के 65 रुपये। तो भाई मेरी टोटल अर्निंग हो गई है 5.5 घंटे में 631 रुपये। तो चलो नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं, कितनी देर में बचता है हमारा नेक्स्ट ऑर्डर। तो लो जी गाइस, एक और ऑर्डर बच गया भाई मेरा 45 रुपये का। भाई इसको मिला के मेरी टोटल अर्निंग हो जाएगी 670। तो चलो बढ़िया है यार, 10 बजे तक 800 रुपये का काम तो हो ही जाएगा। किमी 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 32 32। ये लीजिए भैया। ओके भैया, हेलो जी गाइस, ऑर्डर तो मैंने दे दिया भाई कस्टमर को, अभी इसके देखते हैं मेरे को कितने रुपए मिलते हैं। 8 बज चुका है भाई प्रॉपर, भाई 45 रुपये मिले हैं इसके मेरे को, और अभी टोटल अर्निंग मेरी हो चुकी है, दूसरा भी ऑर्डर बच गया। देखो बढ़िया पैसे दे रहा है, 5 किलोमीटर के 70 रुपये, तो बढ़िया है। चलो चलो गाइस, भाई ऑर्डर पिकअप कर लिया, भैंस की टांग है ना, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, गाड़ी भी भैंस की टांग वहाँ खड़ी कर रखी है मैंने। देखो अभी इसको मार देता हूँ यहाँ से पिकअप। चलो अपना नीचे का एरिया ही बढ़िया है।
हाँ जी मैम 250। तो लो जी गाइस, ऑर्डर तो मैंने दे दिया भाई कस्टमर को, बाकी इसको ही मार देते हैं यहाँ से डिलीवर। अभी देखते हैं कितने रुपए मिले मेरे को इसके। यहाँ नेटवर्क इशू है यार थोड़ा। तो भाई मेरे को इसमें मिले हैं 70 रुपये 6 किलोमीटर के, और आईडी बंद हो गई है क्योंकि मेरे पे कैश आ गया है ज़्यादा। चलो भाई टोटल अर्निंग दिखा दूँ मैं आपको। टोटल अर्निंग भाई मेरी हो गई है 750 रुपये 6.5 घंटे में। तो लो जी गाइस, एक और ऑर्डर बच गया है मेरे पास और ये शायद लास्ट ही ऑर्डर होगा मेरा। मैं 2.5 किलोमीटर उठाना है यार, ऐसे ऐसे ऑर्डर मार रहा ना मेरे को ये 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर भाई, 3 किलोमीटर इसको उठाने जाना है और छोड़ना बगल में ही है। मैं तो सोच रहा इससे इसके बाद एक और ऑर्डर मारूं फटाफट, इसे उठा के छोड़ के आते हैं भाई। चलो जी भाई पहुंच तो गए भाई रेस्टोरेंट की लोकेशन पे, और छोड़ना इसको कहाँ पर है अभी रेडी नहीं हुआ है, 4 मिनट है अभी रेडी होने में। तो भाई 2 मिनट में पहुँच गया मैं तो यहाँ। अच्छा जी ओके, नॉट बैड। चलो भाई सीधा ही छोड़ना है यहाँ से, थोड़ी दूर एक ऑर्डर और बच सकता है हमारा, 439। ठीक है, चलो भाई ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया है, इसको छोड़ते हैं फटाफट। ये लीजिए, चलो जी गाइस ऑर्डर तो मैंने मार दिया है डिलीवर भाई ना। 9:41 हो चुके हैं और खुल जा भाई जल्दी जल्दी खुल जा यार, बड़ा टाइम लगा रहा। 30 रुपये मिले हैं भाई इसके मेरे को, मतलब पिकअप के पैसे मिले मेरे को, ड्रॉप तो मैंने किया ही नहीं, मतलब छोटा सा ड्रॉप था। तो भाई अभी ज़्यादा नहीं, 10 मिनट वेट करने वाले हम, 10 मिनट में देखते हैं अगर ये ऑर्डर बजा देता है तो बढ़िया है, वरना आईडी बंद करके घर। भाई एडिटिंग भी करनी है, मैं कर काम तो बहुत हो गया हमारा वैसे। तो लो जी गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:49 और भाई ऑर्डर नहीं बजा मेरे पास। तो भाई मैंने आईडी कर दी है बंद, अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो मैंने 7.5 घंटे दिए हैं, 12 ओवर मैंने ऑर्डर मारे हैं और मेरी अर्निंग हुई है टोटल 828 रुपये की, जिसमें मेरे को टिप मिली है 20 रुपये, सर्ज मिला है 50 रुपये और ये इंसेंटिव मिला है 75 रुपये वाला। तो भाई 150 रुपये का तेल हटा लो इसमें से, कितने रुपये बचते हैं मेरे वो करके बताऊँ आपको। 828 - 150 मतलब 678 रुपये की मेरी आज की दिहाड़ी बनी है, 678 रुपये। तो बढ़िया है, वीकली भी दिखा देता हूँ, वीकली मैंने काम किया नहीं ढंग से, जो भी किया है देखो सारी बिल्डिंगें धीरे धीरे खड़ी हैं। तो भाई 3600 रुपये का काम किया मैंने, मतलब पिछले हफ्ते से भी कम काम किया है मैंने। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई, अगर ये मत सोचना कि भाई मैं आप तुम्हारा काम नहीं हो रहा है तो किसी का भी नहीं हो रहा होगा, भाई ऐसा नहीं है इसमें कि मेरा काम नहीं हो रहा था किसी का भी नहीं हो रहा है, काम सबका हो रहा है मेरे को छोड़ के, बस मेरा यह है कि मैं ढंग से करता नहीं हूँ काम। देखो कमाने वाले लोग 10,000 रुपये हफ्ता भी कमा रहे हैं, 12,000 रुपये हफ्ता भी कमा रहे हैं, और कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो भाई 3-4 हज़ार रुपये में ही खुश हैं, है ना। और भाई देखो सबसे बड़ी बात इसमें यह है ना, इसमें लत वाली बात है, अगर आप 15,000 रुपये की सैलरी छोड़ के आ रहे हो ना कहीं से और आप एक महीना डट के काम करोगे यहाँ पे, तो आप आराम से यहाँ पे 30,000 रुपये कमा लोगे, तो आपको लग जाएगी लत पैसों की कि भाई मेरे को डेली के 1,000-1,200 रुपये निकालने हैं तो निकाल दें। उस वजह से इंसान पता क्या करता है, अपनी डेली लाइफ खो देता है, मतलब क्या तेरा क्या लाइफ स्टाइल है तुम्हारा, सब कुछ खो जाओगे आप। इसलिए काम करो पर हिसाब से करो, ये नहीं भाई पूरा टाइम सुबह आ गए रात को जा रहे, थोड़ा अपना टाइम दो, अपने ऊपर भी टाइम दो। हाँ तो गाइस यही थी हमारी अर्निंग आज की, तेल तूल हटा के भाई 650 रुपये हमारी दिहाड़ी बनी है, तो बढ़िया है नॉट बैड, ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया हमने। ठीक है गाइस, तो भाई मिलते हैं आपको कल नए हफ्ते के साथ। वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाना, बाकी गुड नाइट।